दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो आप वीडियो मेरी रिकॉर्ड की हुई देखते हैं या किसी भी बंदे की रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखते हैं, तो वीडियो कैसे आप स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन को वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताएं कि आप वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और रिकॉर्ड करके वीडियो को आप कैसे डाल सकते हैं अपने फेसबुक या यूट्यूब पर। आसानी से डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड करता हूँ मोबाइल पे, तो कैसे ये सब होता है तो बहुत लोग सोचते हैं, तो बहुत लोग पूछ भी रहते हैं कि कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप भी सबसे रिक्वेस्ट करें कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको इस तरह का मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है DU रिकॉर्डर और एक है MovieGen रिकॉर्डिंग, जो आपके स्क्रीन के मोबाइल के स्क्रीन को आसानी से रिकॉर्ड कर देता है। और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है, आप सामने देख सकते हैं कि इसे कुछ इस तरह की सेटिंग है। यहाँ पर देख रहे हैं टाइमिंग का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और ये जो वीडियो है रिकॉर्ड हो रही है इसी के द्वारा, तो इसे आप प्ले स्टोर से भी आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें आप सिंपली, ये कुछ ऐसा चीज़ है कि इसमें आप पेमेंट भी कर सकते हैं, फ्री में भी इसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। इसे सिंपली आपको ऑन कर लेना है, और जब ऑन करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग आपको बता देते हैं, जैसे कि मैं आपको DU रिकॉर्डर के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो सेटिंग में आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ गया है। अब ये देखिए जो चीज़ है ये यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो, स्क्रीन खींच लिया फ़ोटो और मेरी गैलरी में ही चला गया। तो गैलरी में चलिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये अभी मैंने यहाँ से खींचा और ये रिकॉर्ड हो गया। अब एग्ज़ाम्पल मैं ये खोल के रखा हूँ, अब मैं इसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ले लिया। अब हम ये इसे भी गैलरी में जाकर दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लिए। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और रिकॉर्ड करते समय, और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर दीजिए, और अगर कैमरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैमरा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा जैसे कि ऑन कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो चलिए इस तरह से आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको गिफ्ट रिकॉर्डर भी होता है, जो गिफ्ट छोटी सी एक रिकॉर्डिंग होती है जो आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड होती है। जैसे कि देखिए मैं आपको इसे ऑन करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ ऊपर में ये रिकॉर्ड होनी शुरू होगी, और छोटी सी एक वीट गिफ्ट रिकॉर्डिंग भी होगी। तो देखिए इस तरह से ये छोटा सा गिफ्ट रिकॉर्डिंग हो गया। तो इस तरह से आप गिफ्ट रिकॉर्डिंग इसे भी इस्तेमाल, छोटा सा 1 सेकंड का, 2 सेकंड, 5 सेकंड का रहता है, तो इस तरह से आप गिफ्ट रिकॉर्डिंग भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसे गिफ्ट रिकॉर्डिंग को जो है बंद करते हैं, ठीक है, और इसे हम बंद कर दिए। और यहाँ पे जो आप ब्रश का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको अगर ब्रश का कुछ ज़रूरत पड़ता है, यानी किस तरह के इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, तो फिलहाल इस चार्जेस को कौन लेना चाहेगा, तो इसे हम हटा देते हैं। अगर आपको चार्ज देना हो तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो इसी के दौरान करता हूँ। वाटरमार्क भी आपको यहाँ मिल जाता है सिंपल तरीके से। वाटरमार्क एक सिंपल जैसे को चीज़ को अगर आपको स्क्रैच करना हो तो उसके लिए काम आता है। जैसे कि मेरा कैमरा अभी ऑन है, मैं इस कैमरा को भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल नॉर्मल चीज़ बता दिया मैंने, इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यानी आपकी जो इस मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसका नाम है DU रिकॉर्डर, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। नॉर्मल सेटिंग मैंने आपको बता दी, और भी कुछ जानकारी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वाटरमार्क जो आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उस पर आप अगर वाटरमार्क देना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से दे सकते हैं इसे ऑन करके। तो चलिए हम इसे भी ऑन ऑफ कर देते हैं, और हम आपको ले चलते हैं इसके एप्लीकेशन को ओपन करके बताते हैं। यहां पे देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग में आपको यहां पे एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वीडियो डायरेक्ट इसमें जाके एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिटिंग कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, और यहां पे इमेज की भी एडिटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और यहां पे सेटिंग भी है आपको, सेटिंग में और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। यहाँ पे अगर वीडियो रेजोल्यूशन आपको बढ़ाना हो, 7 से 1080 करना हो तो 1080 तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो क्वालिटी भी आपको
बताता है कितनी वीडियो क्वालिटी आपको चाहिए, एमबी या एमबीपीएस एंड 0.5 एमबीपीएस। तो जिस तरह की आप क्वालिटी चाहते हैं, या ऑटो मैंने किया हो तो ऑटो पे क्लिक है, ठीक है। तो खैर ये सब सेटिंग को आप छेड़िए नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको समझ में आता तो जो छेड़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो मत छेड़िए। जैसे कि अभी देखिए रिकॉर्डिंग ऑडियो, तो ये जो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मैं दूसरे मोबाइल पे अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर चाहते हैं कि साथ ही साथ रिकॉर्ड हो तो इसे आप ऑन कर लीजिए, खासकर अगर आप इसमें चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। और कलर को भी आप यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं, अपने जो आपकी जो वीडियो शूट हो रही है वो कलर डिफरेंस हो जाएगी तो आपको थोड़ा इफेक्ट लगेगा। खैर आप वाइट ही रखिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इस सेटिंग को ज़्यादा छेड़िए नहीं तो मैं तो ये कहूँगा सेटिंग को छेड़िए, तो गड़बड़ जो चल रहा है चलने दीजिए। बाद में अगर आपको समझ में आने लगता है तो आप इस सेटिंग को छेड़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं, लेकिन आप मैं तो यही कहूँगा कि आप इन सेटिंग को तब तक ना छेड़िए जब तक इनके बारे में आप जानना चाहें, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का इसमें दिक्कत आता है DU रिकॉर्डर में तो आप हमसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे अच्छी खासी रिकॉर्डिंग होती है और सिंपल तरीके से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या फेसबुक पे डाल सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर इसी चीज़ से पैसा अच्छा खासा कमा लिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर इस तरह की वीडियो लाएंगे टेक्निकल। जय हिंद, जय भारत।